आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स वैसे तो सुनने में बहुत इजी लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं बट जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारे को पॉइंट्स नहीं मिलते हैं एग्जाम में तो मैं आज आपको पॉइंट्स के साथ बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री ठीक है जो भी एक सिटीज़न होता है कंट्री का किसी भी नेशन का उसको फंडामेंटल राइट्स मिलते ही मिलते हैं ठीक है बट ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो हर उस इंसान को मिलते हैं जो इंसान एज ह्यूमन ट्रीट किया जाता है उसके लिए उसका सिटीज़न होना जरूरी नहीं है ह्यूमन राइट इज़ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको उस कंट्री का सिटीज़न होना पड़ेगा मतलब अगर कोई अमेरिका का आदमी इंडिया में आके स्टे कर रहा है पिछले एक महीने से तो ही वोंट गेट एनी फंडामेंटल राइट बट येस ही विल गेट अ ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट का मतलब होता है राइट टू लिव राइट टू लिबर्टी एट्सेट्रा तो उसको जीने का अधिकार है उसको आज़ादी से जीने का अधिकार है बट उसको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मिले ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि फंडामेंटल राइट सिर्फ एक सिटीज़न का राइट right है ठीक है बट ह्यूमन राइट इज़ अ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग तो इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल राइट्स होते हैं एंड दीज आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ ये इंटरनेशनल लॉ पर बेस्ड है जबकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली कंट्री वाइज होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन

बट फंडामेंटल राइट वो राइट्स हैं जो सिटीजन्स को दिए जाते हैं जस्ट उनकी प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम के लिए अगर हम फंडामेंटल की बात राइट्स की बात करें तो देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से दैट इज राइट टू क्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू एक्सप्रेशन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज एट्सेट्रा इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स हैं उसमें मैंने आपको पहले भी बताया राइट टू लिव राइट टू लिबर्टी सिक्योरिटी एजुकेशन हेल्थ ये सारी चीज़ें आपकी ह्यूमन राइट्स में आती हैं तो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस हुआ ह्यूमन राइट्स इज गिवन टू एवरी ह्यूमन बींग बट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू ओनली द सिटीजन ऑफ अ कंट्री फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको एक कंट्री का सिटीज़न होना जरूरी है बट ह्यूमन राइट्स के लिए आपका ह्यूमन बींग होना ही काफ़ी होता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट्स थैंक यू